क्या देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जहां छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ड्रोन की तकनीक से भगवान हनुमान को संजीवनी बूटी लेने के लिए उड़ाया गया, इसका वीडियो इस वक्त इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये नए भारत का सामर्थ्य है। वीडियो में पीएम मोदी एक कार्यक्रम के दौरान कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे देश के लोगों की सोच कैसी है और ड्रोन का ये भी इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये बड़ा ही आश्चर्यचकित है। एक स्थान पर रामायण का मंचन हो रहा था तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो पहले लोगों ने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा और इसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया एक्स पर साझा किया है। जल जीवन मिशन में कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर परेशान ठेकेदार ने 4 नवंबर को कलेक्टोरेट के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी है। इस आशय का पत्र उन्होंने लोक स्थानीय यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को सौंपा है। इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर और एसपी दंतेवाड़ा को भी भेजी गई है। ठेकेदार ओम प्रकाश सिंह श्रीनारायण कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पत्र में बताया है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत 40 KL 3 टंकी निर्माण और 100% FST निर्माण साथ ही पाइपलाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद भी उनका लगभग 70 से 80 लाख का भुगतान नहीं किया गया। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को महिलाओं, विकलांगों, युवाओं सहित सभी नागरिकों के लिए और अधिक समावेशी और सहभागी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। निर्वाचन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिले में 60 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके बाद से जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों कोटा, बलहा, मस्तूरी, तख्तपुर और बेलतरा, बिलासपुर सहित 6 विधानसभा में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों में मतदान दल और सुरक्षा बल सहित अन्य स्टाफ महिलाएं होंगे। इस प्रकार जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में 5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में मीनपा और ताड़मेटला, इन सभी जंगलों में सर्चिंग के दौरान एक जवान आईडी की चपेट में आने से घायल हो गया है। घायल जवान को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घायल जवान कोबरा 206 बटालियन में तैनात था। जानकारी के अनुसार कोबरा 206 बटालियन के जवान मंगलवार की शाम मीनपा और ताड़मेटला के जंगलों में सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। इस दौरान इस जवान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आ गए। आईडी विस्फोट में जवान का पैर बुरी तरह से घायल हो गया है। जवान का नाम अमरेंद्र बासु मतारी बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।